थर्टी फोर्टी फिफ्टी। 10 पे कितना आ रहा है हमारा, 10 पे आ रहा है 5, 20 पे आ रहा है 3, तो यहाँ पे हमें कितने लेने पड़ेंगे, 5 5 के लिए 5 10 20 10 पे आ रहा है हमारे पास 5, 20 पे आ रहा है हमारे पास 15, उसके बाद आए 25 पे 22, 25 पे 22, देन 40 पे 31, और 50 पे 39। हमारा ये किस तरह से बन गया, और 0 पे 0 ही हो गया ऑब्वियसली। ये हमने एक अच्छा सा स्मूथ सा अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना दिया, ठीक है, समझ आई बात। यस सर। अच्छा, ये लास्ट इंटरवल पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हम ऐड अप करते हुए जा। अच्छा, ये मेरे पास जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया, तो अब अगर मुझे यहाँ से निकालनी है अपनी चीजें, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, तो मुझे पता है कि मीडियन कितना होता है, 50%। तो मैं क्या करूंगा, 39 का 50% ले लूंगा, कितना आएगा, 19.5 ना, यानी 19.5। ये 19.5 कहाँ देखूंगा, मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा 19.5, और मैं उस वाई एक्सिस पे 19.5 से कहाँ चला जाऊंगा, अपने कर्व पे चला जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि मेरे कर्व पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये 21 के आगे कुछ आ रही है, ठीक है, 22 बोल दो, ठीक है, तो मेरा मीडियन कितना होगा, 22 हो गया। अच्छा, इसमें है ना एस्टिमेट करना होता है हमें, तो हमारे ग्राफ से जो वैल्यू आ रही होगी ना वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, हमने जिस तरह से ग्राफ बनाया होगा उस हिसाब से हम वैल्यू रीड करके देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगी, वो एक रेंज देता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेना, तो जितना एक्यूरेट ग्राफ होगा उतना एक्यूरेट हमारा आंसर होगा। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 25% निकाल लेंगे तो लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा, तो 39 का 25% कितना होता है, 9.75। 9.75 पे हम चले जाएंगे अपने ग्राफ के ऊपर, 9.75 यहाँ कहीं हो जाएगा, हम चले गए ग्राफ के ऊपर, और ये लग जा रहा है 15, तो हमने लिख दिया 15। इसी तरह अपर क्वार्टाइल हम 75% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 29.25। 29.25 पे हम अपने ग्राफ पे चले गए, ये आ रहा है कुछ 30, तो हमने बोल दिया 30, हमारे पास लोअर क्वार्टाइल आ गया, अपर क्वार्टाइल आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 30 माइनस 15, ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल। यस सर। जी सर। पांच क्यों गए, एक और कहाँ गया, अच्छा ये हो गई हमारे पास, ठीक है।
अच्छा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अच्छा इसमें इसने मुझे जो है वो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना के दिया है और मुझे इंटरक्वार्टर रेंज निकालनी है, कैसे निकालूंगा? बोलो सर अपर माइनस सबेरियन के टू लिए आई फिफ्टी टेक्सी परसेंट किसका 1200 का 50% निकालेंगे 600, और 600 पे ग्राफ को चले जाएंगे और देख लेंगे क्या वैल्यू आ रही है। बल्कि इंटर क्वार्टाइल निकालना है ना, मीडियन थोड़ी निकालना है। पहले अपर क्वार्टाइल निकालेंगे 75% पे और फिर 25% पे लोअर क्वार्टाइल निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है एक्स निकाल के दो इफ 40% ऑफ द कैंडिडेट स्कोर मोर देन एक्स मार्क्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक्स बताना है, एक्स है मार्क्स है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे देखना है मुझे एक्स को, और ये बताना है कि 40% कैंडिडेट्स ने एक्स से ज्यादा स्कोर किए। तो अगर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक्स 60 है, तो ये जो 40% होंगे ये वाले 40% होंगे या इससे पीछे 40% होंगे? बोलो ये 40% 60 से आगे होंगे, एक्स से आगे होंगे या एक्स से पीछे होंगे? बोलो आगे होंगे ना, बिकॉज इट्स मोर देन एक्स मार्क्स का। आगे होंगे, उसने बोला है मोर देन एक्स मार्क्स 40% कैंडिडेट्स ने किया है, तो एक्स से ज्यादा 40% है। तो मैं जब निकालूंगा कि मैं किस वाई की वैल्यू पे एक्स देखूं, तो मैं 1200 का 40% निकालू या 60% निकालू? अगर मैं 40% निकालता हूं तो इसका मतलब है कि मैं शुरू के 40% देख रहा हूं, मुझे आखिरी के 40% चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में सबसे पहले ये एनालाइज करना जरूरी है कि भाई ये परसेंटेज आखिर वाले हैं या पहले वाले हैं। अगर बाद वाले परसेंटेज मुझे दी दिए तो मैं उसको 100 से माइनस करके निकालूंगा। यहाँ पे मुझे 40% लास्ट 40% स्टूडेंट्स देखने हैं। मैं अगर 1200 का डायरेक्ट 40% निकालता हूँ तो ये शुरू के 40% की मुझे वैल्यू दे देगा, लेकिन मुझे तो लास्ट 40% चाहिए। तो मैं 100 में से माइनस करूंगा,
60 आया। अब मैं 1200 का 60% निकालूंगा, 1200 का 60% कितना होगा? 720। तो अब मैं अपने ग्राफ पे देखूंगा कि 720 कहाँ पे आ रहा है। तो 720 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे लेट्स से आ रहा है 720, ये 720 यहाँ पे आ रहा है। मैं चला गया इसको अपने ग्राफ पे और इस पे चला गया मैं एक्स पे। तो ये कुछ 62 और 64 के बीच में कुछ आ रहा है, 63 बोल देते हैं। तो यानी x मेरे पास क्या आया, 63 मार्क्स। यानी 63 से ज्यादा 40% कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है। अगर यहाँ पे ये बोलता कि 40% स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो x मार्क्स, तब मैं डायरेक्ट 1200 का 40% निकालता, क्योंकि ये जो 40% है ये शुरू के 40% है, बाद के 40% नहीं है। मोर देन बोल रहे हैं कि इससे आगे 40% है तो बाद वाला 40%, शुरू की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट 40%। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि परसेंटेज कहाँ की दी हुई है, उसके बाद वैल्यू निकालनी है और फिर उसको एक्स एक्सिस पे ट्रेस कर लेना है। ठीक है भाई, क्लियर है ये वाली बात? बिकॉज बात का थॉट वाज more than 40%, तो आपने उसको 100 में से माइनस करके किया, which was 60, right? अच्छा, सही। अब यहाँ पे ये बोला है the number of candidates who scored more than 68 marks, यानी 68 से ज़्यादा कितनों ने स्कोर किया है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा 68 के ऊपर, अपने x एक्सिस के ऊपर। देखो सबसे पहले ये देखना है कि x पे दे बोल रहे हैं या y पे बोल रहे हैं। 68 मार्क्स की बात कर रहा है, तो 68 मार्क्स का मतलब है x एक्सिस पे 68। ये देख लिया हमने 68, ये रहा। इस पे हम चले गए अपने ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पे गए और उसके बाद हमने इसको ट्रेस कर लिया वाई की वैल्यू पे। वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 860 आ रही है। तो क्या 860 स्टूडेंट्स ने 68 से ज्यादा स्कोर किया है? सर टोटल माइनस 860? हाँ, टोटल से माइनस करेंगे, क्योंकि 860 तो मेरे पास 68 पे वैल्यू आई है, यानी 68 से पीछे 860 स्टूडेंट्स हैं। मुझे 68 से आगे वाले चाहिए, तो 1200 टोटल स्टूडेंट्स हैं। मैं 1200 माइनस 860 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 340, यानी 340 स्टूडेंट्स ने 68 से ज़्यादा स्कोर किया है और 860 स्टूडेंट्स ने 68 से बिलो स्कोर किया है। सही है, ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको 100% क्लियर करके जाना है यहीं से। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, ये जब कर्व ड्रॉ करते हैं ऐसे कि अगर पेपर में, तो फिर इसको एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं, ड्रॉइंग को, कि ड्रॉइंग अपनी एक्यूरेट हो ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेट हो, तो कोई टिप्स हैं? ड्रॉइंग एक्यूरेट प्रैक्टिस से बनेगी, प्रैक्टिस करो कर्व्स बनाने की। वैसे प्रैक्टिस जितने आपके पॉइंट ज्यादा होंगे, एक तो बात यह है कि जितने आपके कोऑर्डिनेट ज्यादा होते हैं उतने आपके डायग्राम अच्छी बनती है, एक्यूरेट बनती है। और जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा कर्व्स बनाओगे, तो हर अगला कर्व तुम्हारा एक्यूरेट बनेगा। हम साइन एक्स कॉस एक्स के कर्व जो बनाते थे वो शुरू शुरू में कितने अजीब टेढ़े मेढ़े बनते थे, लेकिन जिस तरह हम प्रैक्टिस करते गए उसकी, तो उतना एक्यूरेट हमारे पास आंसर आता। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात कि स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनाना। ऐसा नहीं है कि हमने जो यहाँ पर सॉल्व बनाया था, अगर मेरे पास पॉइंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि एक ये पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाना, हमेशा कर्व बनेगा। जैसा भी होगा अपनी अपने कर्व में जो है वो हमें कर्वेचर का शेप देना है, स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और एक्यूरेट उसी से ही होगा कि तुम प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जो भी सारे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं जिसमें इसने ये बनाया हुआ है वो बनाओ सारे, मुझे दिखा दो,
बना बना के कि सर इसमें क्या गलती है, इसको और एक्यूरेट किस तरह करें, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ओके सर, थैंक्स। और किसी को कुछ पूछना है? ईमान, ज़ैनब? नहीं सर, नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है, ओके, फिर इसके क्वेश्चंस में शेयर कर दूंगा, वो सॉल्व कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी चीज इसकी बाकी है, वो उसको डिस्कस करके हम शायद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें। ओके, हाफिज़। ओके, हाफिज़। ओके, हाफिज़।